उन्होंने मेरे पैसे वैसे रोक लिए थे। मिसबिहेव तो एक रीज़न रहा है, सो आई वॉज हेल्पलेस। हाँ, उन्होंने मुझसे एक पेपर साइन करवाए थे कुछ। इसके यही कारण है कि दिशा रिटर्न नहीं आ रही है शो पर, दया जो गई हमारी। हो सकता है। आपकी कैसी थी दया से जब वो गई? उसका भी झगड़ा हुआ था या शी वेंट लाइक नॉर्मल? नहीं नहीं वो उनके ऑफिस में क्या बात हुई है या पर्सनल बात है वो मुझे नहीं मालूम उसके बारे में बहुत ज़्यादा, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती। बट हाँ, मिसबिहेव तो एक रीज़न रहा है, बाकी और रीजन अगर होंगे तो मुझे नहीं मालूम, बट मिसबिहेव तो एक रीज़न ज़रूर होगा, क्योंकि वो हर बंदे के साथ कॉमन चीज़ है। जितने लोगों ने शो छोड़ा है सबके साथ एक कॉमन चीज़ वो यही है, मिसबिहेव। बाकी उनके अदर प्रॉब्लम्स हो तो पता नहीं मुझे। कभी ऐसा आप लोगों के सामने हुआ था कि यार ऐसा हो गया, यार ये शो चला रही है और इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और उसको ऐसा ट्रीट कर दिया, आप लोगों के सामने कभी? मैं उनके बारे में कोई बात कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि शी इज़ वेरी हम्बल, क्यूट। मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, शी इज़ वेरी नाइस। वो अपनी खुद की बात कभी मीडिया में आके नहीं बोलेंगी, या कभी वो नहीं बोलेंगी मीडिया के सामने कुछ भी, और बोलेंगी भी तो अच्छा ही बोलेंगी। वो हमेशा चीज़ें छोड़ देना या उसमें बिलीव करती हैं, वो कभी जाने भी, दो, लेट गो हाँ वाले। वो कभी बिलीव नहीं करती इस चीज़ों में कि उसको कुछ आगे फॉरवर्ड किया जाए या चीज़ें की जाए। ओके, अच्छा ये जो जेनिफर जी वाली बात हुई, जी उसके बाद यू डिसाइडेड और यू गाइस यू नो इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देन वो हुआ कि नहीं अब इस चीज को रोकना जरूरी है, लाइक स्टॉक? एक्चुअली आई गॉट कॉल फ्रॉम मीडिया एंड मीडिया टोल्ड मी कि दिस हैज़ टेकन प्लेस। मुझे तो पता भी नहीं था, तो मेरी तब तक उनसे बात नहीं हुई थी। फिर देन आई डिसाइडेड टू टॉक टू हर, देन आई कॉल्ड हर, देन आई न्यू ऑल द थिंग्स की व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। तो फिर मैंने डिसाइड किया, उससे पहले मेरी मीडिया में बात हो चुकी थी, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे पूछा कि आपके साथ भी तो बहुत चीज़ें होंगी तो आपने क्यों नहीं बोला। तो मैंने उनको बोला कि मैंने बोला था, बट उन्होंने मेरे पैसे वैसे रोक लिए थे, फिर उन्होंने बॉन्ड साइन करवाया था कि मीडिया में नहीं जाऊंगी, सो आई वॉज हेल्पलेस। सो मैं बॉन्ड साइन करवाया था, मीडिया में नहीं जाओगे आप? हाँ, उन्होंने मुझसे एक पेपर साइन करवाए थे कुछ कि अगर मीडिया में नहीं जाओगे तो ही हम आपको आपका पेमेंट रिलीज करेंगे। मैंने साइन किया, उसके बाद भी नहीं किया उन्होंने। हालांकि बहुत एक साल लग गया मुझे फाइट करते करते, जब हुआ क्लियर इतने ड्यूज से सारी क्लियर होने के बाद फिर जाके मैंने ट्राई किया था मीडिया में। क्या हम इस इंटरव्यू में ये जान सकते हैं कि आपने किस साल शुरू किया था तारक मेहता और किस वक्त आपने छोड़ा और उसके कितने वक्त के बाद आपका आपका पेमेंट रिलीज हुआ और आइडियली कब मिल जाना चाहिए था? मुझे 6 ईयर हो गए थे करते हुए काम। मैंने आई थिंक 19 में शो छोड़ा था और उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट किया है 20th में, अक्टूबर में किया था उन्होंने, एक साल बाद किया, एक साल तक मुझे फाइट करनी पड़ी, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा पेमेंट और ये दिया। कितने दिनों की पेमेंट थी? एक महीने की या एक महीने की नहीं थी, 3-4 महीने की होती है पेमेंट, क्योंकि आप एज पर सेंटर रूल 3 मंथ्स तक तो पे नहीं होता है, आपको 3 मंथ्स पे होता है, तो 3-4 90 डेज क्रेडिट हाँ आपका वो रहता है। ओके।